अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त शेफ अल्ताफ और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं और आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं। सर्दी का मौसम है तो सर्दी में एंजॉय करना चाहिए। आज हम बनाएंगे सूप और हम बहुत ही डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात कहीं कॉर्नफ्लोर यूज़ करते हैं, हम बग़ैर कॉर्नफ्लोर को यूज़ करेंगे, ओनली हल्के स्पाइस और नॉर्मल वेजिटेबल। और टेस्ट बहुत ही औसम बनने वाला है और यूनिक तरीकाकार है और क्या कहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप ये वीडियो देखिए और उससे पहले रिक्वेस्ट मेरे और अपने चैनल यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं आज का मिक्स वेजिटेबल सूप। और माजरत बहुत लेट की मैंने वीडियो बनाने के लिए, टाइम लगा, मुझे पाकिस्तान आ रहा था तो इस वजह से वीडियो लेट हुई है। तो इंशाल्लाह भी नेक्स्ट डेली वाइज पे हम वीडियो बनाएंगे और आती रहेगी। आप इंशाल्लाह आपके पास हम शेयर करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो आज का है हमारा रेसिपी जो है वेजिटेबल मिक्स सूप है और आप भी देखिए कैसे बनता है और क्या तरीकाकार है। और बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए वीडियो देखिए पूरी कम्प्लीट और उसके बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सबसे पहले यहाँ पे हम काटेंगे इसको गाजर, और गाजर के जो है हमने छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। ये भी हमारी डन। और आलू भी हमने ऐसे काटने हैं। ये आलू भी हमारे डन हो चुके हैं। और उसके बाद कैबेज, कैबेज भी डन। और उसके बाद सेलरी, इसको भी हम चॉप करेंगे। और ये भी डन हो गई हमारी। और अब आपने एक बर्तन में पानी लेना है, गरम हो या उसको गरम कर लें, बॉईल कर लें। हमने थोड़ा पहले रख दिया था और ये गरम हो गया है और बॉईल हो गया है। और इसमें हम डालेंगे सब्ज वेजिटेबल जितने भी हैं सारी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद चिकन क्यूब्स, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको जो है हम पकने देंगे जब तक जो हमारी वेजिटेबल गल नहीं जाती प्रॉपर। पानी जो हमने लिया था वो 1.5 लीटर लिया था हमने, पकाने के बाद 1 लीटर जो उसमें बचेगा, 1 लीटर का हम सूप बना रहे हैं। और पानी इसमें जब थोड़ा सा और पकता जाएगा, वेजिटेबल भी गलती जाएगी तो पानी भी कम हो जाएगा। तो तकरीबन इसको हम पकने देते हैं जब तक वेजिटेबल हमारी गलती नहीं है। पानी अगर कम ले रहे हैं आप तो आँच हल्की कर देंगे तो उस पर थोड़ी स्लो स्लो ही पकता जाएगा और गलती जाएगी वेजिटेबल। और इसको बिल्कुल गलाना है, बिल्कुल गलाना है जैसे। और ये देखें जी, पानी जो हमारा कम हो चुका है और उसके बाद वेजिटेबल भी गल चुकी है। और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले, वाइट पेपर, चाइना सॉल्ट और लास्ट में सॉल्ट। आप यकीन मानेंगे इसकी इतनी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा है इसका। और अभी हम इसको करेंगे बीट, ब्लेंडर में डाल के इसको हमने पीसना है। और यहाँ पे हमारे पास ये हैंड ब्लेंडर है तो हम इससे ही इसको ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको जग में डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं। इसको हमने फुल पीसना है, वेजिटेबल को बिल्कुल मैश करना है। और ये जो हमारा डन हो चुका है और ब्लेंड हो चुका है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ स्पून में। ये देखें इस तरीके का ब्लेंड हो चुका है, ये देखें। और ये थिक भी है, गाढ़ा भी है, इसमें हम कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये वेजिटेबल में ही हमारा गाढ़ा होगा। और थोड़ी देर हम इसको और पकाएंगे अभी चूल्हे पर। और हमने इसको रख दिया है वापस चूल्हे पर उसको पकने के लिए। और इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी क्रीम, तकरीबन 50 ml जो है आप क्रीम डालेंगे हम इसमें। और उसके बाद एक विक्स लें और इसको अच्छे तरीके से बीट करें, ऐसे मिक्स करें ज़बरदस्त के क्रीम इसमें हल हो जाए। और ये देखें, ये हल हो चुका है और इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने देखा होगा कनौर के सूप होते हैं या पैकेट में आपको मिलते हैं, ये देखें, आपने देखा होगा कि आपको पैकेट में मिलते हैं तो यही होते हैं। ये देखें, ये थोड़ी देर और पकाएंगे हमारा ये गाढ़ा हो जाएगा और हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। अभी थोड़ा इसका इसको मज़ीद पकाएंगे क्योंकि ये गाढ़ा नहीं है, ये देखो, और गाढ़ा हो जाएगा थोड़ी देर बाद।
और ये देखें जी, हमारा सूप रेडी हो चुका है, डन हो चुका है। चूल्हा ऑफ करते हैं, इसको डिश आउट करते हैं। ये हमारा बर्तन और ये हमारा सूप। और ये देखें जो हमारा सूप डन हो चुका है और रेडी हो चुका है। और अभी हमने एक चीज़ और करनी है इसके ऊपर, और रह गई थी क्रीम, और हम इस पे डाल देंगे टॉप पे। अगर और अगर आपने सर्व करना हो तो इसमें, हम तो बड़े बाउल में डाल रहे हैं क्योंकि हमें सर्व नहीं करना, खुद ही पीना है। और अगर सर्व करने का तरीका होता है रेस्टोरेंट में, एक बाउल में डालो और उसके ऊपर डालोगे क्रीम। क्रीम ये देखें यहाँ से, और ये हो गई हमारी क्रीम, और उसके बाद हो गया सूप रेडी है। आप सर्व करें, बनाएं, ट्राई करें। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।